नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेगा बैंक जो मर्जिंग हुई है, बहुत सारे जो बैंकों का मर्ज हुआ होकर के नए जो बैंक्स बने हुए हैं, कौन बैंक किसमें मर्ज हुआ है उससे संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये IBPS, SSC और UPSC और ICIAS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जा सकते हैं। सो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए जी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस पर भी, और वही नंबर मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप स्क्रॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन मेंटर नाम से आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको आपको इसमें जुड़ने में सहायता मिलेगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। क्योंकि ये अपडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मिलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, और टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि आज बैंक्स जो है वो मर्जिंग हुई है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं समझा सकूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मर्जर क्या होता है, मतलब मर्जर सिस्टम जो है वो क्या है, मतलब क्या है इसका, बैंक के मर्ज होने का मतलब क्या है। तो मर्जिंग का मतलब ही होता है, मर्जिंग का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन, किन्हीं दो कंपनीज का आपस में जुड़ जाना, यही तो मर्जिंग कहलाता है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये दोनों कंपनी जुड़ जाएंगी तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे की मर्जिंग हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे में विलय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से एक जैसी दिखाई देती हैं। हम मर्जिंग को एक्विजिशन के रूप में भी जान सकते हैं या टेक ओवर के रूप में भी जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत छोटा सा अंतर होता है कि मर्जिंग में क्या होता है कि दो कंपनियाँ जुड़ती हैं और दोनों कंपनियों के अलग अलग शेयर्स होते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी अगर, तो इनके अलग अलग शेयर्स रहेंगे और ये अपने अकॉर्डिंग जो है टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जुड़ती हैं। यदि अगर इसको एक्वाइजेशन के अंतर्गत रखा जाएगा, टेक ओवर के अंतर्गत रखा जाएगा, तो एक कंपनी मान लेते हैं कोई ए है और इसने कंपनी बी को एक्वायर किया हुआ है, तो इसके जो सारे शेयर्स हैं वो कंपनी खरीद लेती है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से खरीद रही हो, चाहे इसकी इच्छा के अनुसार खरीदा हो, चाहे इसकी इच्छा के बगैर खरीदे हो, तो इसको हम लोग एक्वाइजेशन के अंतर्गत रखते हैं या फिर हम कह सकते हैं टेक ओवर के अंतर्गत रखते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो विलय होता है, ये जो विलय की प्रक्रिया है, ये विलय जो है वो किस नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जो विलय है ये बैंकिंग, जैसे दो बैंक का आपस में मर्जिंग हुआ तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग किया जाता है, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि अगर एक बैंक है, और यदि अगर कोई एक बैंक है और एक बैंकिंग कंपनी है और एक कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है, अगर इनको आपस में जो है मर्ज करना है या इनका विलय करना है, तो ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 1956 के कंपनी एक्ट के सेक्शन 391 और सेक्शन 394 के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे पीछे एक साल से अगर आपने देखा होगा, 2019 में आपने कुछ बैंक्स के नाम सुने होंगे जो आपस में मर्ज हुए और मर्ज होकर के एक बड़े बैंक के रूप में कन्वर्ट हुए। हालांकि 2019 में ही अगस्त 2019 में ही ये जो आज जिन बैंकों के बारे में मर्जिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी घोषणा जो वर्तमान हमारे यहाँ वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस इसका किया हुआ था और आज से ये मर्जिंग ये जो है लागू हो गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मेगा प्लान टू मर्ज 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स इनटू फोर लार्ज, यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करके चार बड़े बैंक जो है वो बनाए गए हैं, चार बड़े बैंक में इसको कन्वर्ट किया गया और ये कन्वर्जन जो है वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। इसकी घोषणा जो है वो अगस्त 2019 में ही कर दी गई थी, तब से लेकर के तमाम सारे बैंकों ने कई बार अपोज भी किया है, इस चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन फाइनली जो है वो 1 अप्रैल 2020 से इनका विलय जो है वो लागू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उसी चीज़ के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब वर्तमान समय में ये जो विलय हुआ है, इस विलय के बाद कुल हमारे पास में बैंकों की संख्या कितनी हो गई है। तो हमारे पास में कुल बैंकों की संख्या हो गई है 12, और पहले जो है 27 बैंक हुआ करते थे 2017 में, जो 2017 की मर्जिंग के बाद से अगर देखा जाए, जिसमें SBI और उनके एसोसिएट्स को मर्ज किया गया था, उसके बाद से लेकर के अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 12 बैंक ही बचे हुए हैं हमारे पास में, ये आपको ध्यान रखना है। ये 12 बैंक कौन से हैं ये अभी हम लोग बात करेंगे।
इसके लिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, इससे पहले हम ये जरा देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बैंक जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी भारत की आज़ादी के बाद से आपस में मर्ज हुए हैं कौन कौन से हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, आप इन बैंकों के नाम को लिस्ट वाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है स्टेट बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड जो है ये मर्ज हुआ था 1969 में। अगर हम इससे पहले की बात करें तो यहाँ पर जरा एक कॉलम पे जरा गौर करिए, यहाँ पे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो SBBJ पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग बैंक हुआ करते थे एसोसिएट्स ऑफ SBI के रूप में, और सबसे पहले इन दोनों बैंकों का एसोसिएशन जो है वो मर्ज हुआ 1963 में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि SBBJ जो है वो 1963 में बना और फिर फाइनली SBBJ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में मर्ज हुआ। बहुत सारे एसोसिएट्स जो है वो SBI के मर्ज हुए यहाँ पर 2017 में। SBI के जो एसोसिएट्स हैं वो सारे नाम यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे कि एक नाम आपको यहाँ पर मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्ज हुआ 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की मर्जिंग हुई 2010 में, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सारी की सारी आप देख रहे हैं मर्जिंग ये स्टेट बैंक के एसोसिएट्स की है, पटियाला मैसूर हैदराबाद बीकानेर एंड जयपुर त्रावणकोर है ना, ये सारे जो हैं। और एक भारतीय महिला बैंक भी 2017 में मर्ज हुई थी, हालांकि ये जो है एसोसिएट बैंक नहीं है, अलग से एक बैंक थी जो कि SBI में ही मर्ज हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में जो आज 1 अप्रैल से जिनकी मर्जिंग जो है वो लागू हो गई है उनकी अगर हम बात कर लें। ठीक है, वो मेगा मर्जर जो आज हमको देखने को मिला है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं चार नाम, PNB है, इंडियन बैंक है, केनरा बैंक है और यूनियन बैंक है। ये आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं PSC के प्री में अगर देखा जाए, किसी भी चीज़ में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, IBPS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको की पॉइंट्स देकर के बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जैसे कि PNB है, नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आपसे पूछ जाएगा इसमें कौन कौन से बैंक अभी 2019 से मर्ज हुए हैं, तो आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड आंध्रा बैंक। तो आप क्या बताएंगे, ऑब्वियसली बात है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आप बताएंगे क्योंकि इलाहाबाद सिंडिकेट और आंध्रा जो है वो अलग अलग बैंक से मर्ज हुए हैं। तो यहाँ पर PNB में आप देखोगे कौन कौन लोग मर्ज हो रहे हैं OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को OBC बोलते हैं, और OBC के साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक की मर्जिंग हो रही है, सेंट्रल बैंक में सिंडिकेट बैंक की मर्जिंग हो रही है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक जो है ये मर्ज हो रहे हैं। इनके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं। जो देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है PNB जिसको हम कह रहे हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक, ये अब मर्जिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ये PSU हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा PSU के रूप में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में SBI है, जिसकी जो कह सकते हैं कि जो बिजनेस साइज है वो 52 लाख करोड़ है। ठीक है, उसका बिजनेस साइज कितना है, 52 लाख करोड़ है। जबकि अगर हम देखेंगे PNB का मर्जिंग होने के बाद, PNG में जो बैंक मर्ज हो रहे हैं OBC और UBI जब ये मर्ज होंगे तो इनका अब जो कह सकते हैं कि जो टोटल बिजनेस होगा वो हो जाएगा 17.94 करोड़ का। ठीक है, 17.94 करोड़ रुपीज का। ठीक है, 1794526 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, इससे भी आप थोड़ा सा कंपेयर करते हुए भी पढ़ सकते हैं। NPA यदि देखिए तो PNB में NPA जो है वो 6.55% है, OBC में 5.93 है और UBI में सबसे ज्यादा 8.67 था। अब इसका एवरेज अगर NPA देखा जाए तो वर्तमान समय में PNB का NPA जो है वो 6.61 हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा NPA वगैरह क्या है या जिसमें आने वाली टर्मोलॉजीज वगैरह जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे कह सकते हैं इसको हम वैसे तो, लेकिन हम इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे। कुछ बैंकिंग के टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ की संख्या अगर देखी जाए तो PNB में कुल एम्प्लॉयज़ की संख्या अब हो जाएगी 1,06,49। ठीक है, 1,06,49 एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे पास PNB में। सेंट्रल बैंक और केनरा बैंक की मर्जिंग के बारे में अगर बात की जाए तो केनरा बैंक में मर्ज हो जाएगा केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक की मर्जिंग हो जाएगी। और जब ये मर्जिंग हो जाएगी तो केनरा बैंक के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस साइज जो है वो 15.20 लाख करोड़ रुपीज़ का हो जाएगा, 15.20 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो केनरा बैंक जो है इस तरीके से अगर देखें तो चौथा सबसे बड़ा PSU बनेगा। चौथा सबसे बड़ा PSU कौन बन जाएगा, केनरा बैंक बन जाएगा। ठीक है, और ये किसके किसके साथ मर्ज हो रहा है और इसकी टोटल बिजनेस साइज जो है वो कितना था, डिपॉजिट्स कितने थे, NPA कितना है और इसके एम्प्लॉयज जो है वर्तमान समय में बढ़ करके अब कितने हो जाएंगे, 89,885 हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक की मर्जिंग
कॉरपोरेशन बैंक की मर्जिंग जो है यूनियन बैंक के साथ, आंध्रा बैंक की मर्जिंग यूनियन बैंक के साथ, यानी ये तीनों के तीनों जो है वो कह सकते हैं कि विलय होकर के यूनियन बैंक कहलाएंगे अब, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनकी अगर स्टेक की बात करते हैं, इनके टोटल बिजनेस साइज की अगर हम बात करते हैं, तो इनका टोटल बिजनेस साइज 14.59 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इस हिसाब से अगर देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पांचवा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने चौथे बैंक के बारे में भी अभी आपको बताया, इनको क्रम से एक बार मैं आपको बता दूंगा। अभी इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक की मर्जिंग हो रही है, और इस तरीके से अगर इंडियन बैंक को देखा जाए तो इसका बिजनेस साइज जो है वो 8.07 लाख करोड़ रुपीज का हो जाएगा, और इस तरीके से इंडियन बैंक जो है वो भारत के लिए सातवां सबसे बड़ा मेगा बैंक के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट यहाँ पर पीडीबी लिख गया है, पीएसपी लिख सकते हैं आप इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पर पीएसयू, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडियन बैंक का जो बिजनेस साइज था वो 4,29,972 था, और इलाहाबाद बैंक का 3,77,887 था। अब कंबाइंड जो है कह सकते हैं इसका जो टोटल बिजनेस साइज है वो 8,07,859 हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयज की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज जो है वो यहां पर अब हो गए हैं 42,814। अब न सिर्फ यहाँ पे मर्जिंग वाली बात हुई है, बल्कि गवर्नमेंट ने यानी कि निर्मला सीतारमण जी की तरफ से उस समय भी कहा गया था कि 55,200 करोड़ रुपए जो है वो वित्तीय सहायता के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे अलग अलग बैंक को अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर पीएनबी की बात कर लेता हूँ, तो पीएनबी को 16,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,700 करोड़, केनरा बैंक को 6,500 करोड़, इसी तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देखेंगे 7,000 करोड़, इंडियन बैंक को 2,500 करोड़ जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट के सपोर्ट भी इस तरीके से जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 55,250 करोड़, जिससे कि जो है वो जो कह सकते हैं कि यहाँ पे सहायता मिल सकेगी इन बैंक को अपने आप को इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6 बैंक वो हो गए, देखिए अब टोटल मैंने कहा कि बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल बैंकों की इस तरीके से संख्या देखा जाए तो 12 हो गई है, जिसमें से 6 बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट है और 6 बैंक जो है वो मेगा मर्जर बैंक है। तो 6 इंडिपेंडेंट कौन है वो यहाँ पर नाम लिखे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 6 के 6 बैंक हैं, ये 6 के 6 इंडिपेंडेंट बैंक है, अभी इनकी मर्जिंग कहीं नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा जो 6 बैंक बेटा मिलेंगे वो 6 बैंक होंगे वो 6 बैंक जो है वहाँ पे मेगा मर्जर बैंक के रूप में जाने जाएंगे, और उन 6 बैंकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये 6 बैंक कौन कौन से हैं, SBI है, PNB है, BOB है, केनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो बड़े बड़े मर्जर्स हैं जो कि आपको इस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर हम रैंक के साइज के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर ये जो मैं आपको सोर्स यूज कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक टाइम्स के सोर्स के रूप में है, इसमें अगर आप देखेंगे तो SBI का जो बिजनेस साइज है वो 52.05 लाख करोड़ रुपीज है, ठीक है। सो जो कि मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा है, दैट इज ऑफ 22.5%, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अभी अभी हमने देखा कि PNB, OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होकर 17.94 करोड़ रुपीज हो गए, इनका जो शेयर अगर देखा जाए मार्केट में तो 7.7% होगा। तीसरा नंबर पे आएगा आपका HDFC बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अगर आप देखेंगे तो ये चौथे नंबर पर है, 16.13। केनरा और सिंडिकेट बैंक जो है ये पांचवें नंबर पर है, 15.20। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक मिल जाएंगे तो 14.59 करोड़ का इसका बिजनेस होगा। ICICI बैंक अगर देखा जाए तो PSB प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये आपका 12.72 लाख करोड़ रुपीस। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो 10.60, और इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक प्लस इलाहाबाद बैंक। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे नंबर एक पर है SBI, यहां पर एक नंबर पर SBI आपको दिख रहा है, और सारी नंबरिंग मैं यहां पर कर दे रहा हूं, आपको आराम से जो है सारी चीजें याद करने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 10 जो सबसे बड़े बैंक है, ये रिपोर्ट जो है वो सोर्स है इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स का, और ये जो सोर्स में यूज किया गया ये मार्च 2019 का सोर्स यूज किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको बैंक को मर्ज करने की जरूरत क्या है, यहाँ पर बैंक को मर्ज करने की क्या जरूरत होती है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका मुख्य एम होता है वो होता है कि गवर्नेंस सही करना, अकाउंटेबिलिटी जो है कि अकॉर्डिंग अगर देखा जाए वो इफेक्टिव हो जाए, मॉनिटरिंग आसान हो जाए। नंबर ऑफ बैंक ज्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को फंक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है,
बैंक को रेगुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर बैंकों की संख्या लगातार कम की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बार बार हम जो है वो क्या करेंगे, ये कम करेंगे, इसकी साइज जो है वो कम करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लोन है उसको उसको उसके लिए अगर देखा जाए तो बैंक के सभी के बिजनेस साइज बढ़ गए हैं तो लोन देने में भी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा ये भी एक बात ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा अननेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी बैंक का, या फिर जो मतलब अलग अलग, देखिए एक सिंपल सी बात है, इसको बहुत ही कॉमन आंसर से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक घर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन कई सारी चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो कई बार कम हो जाता है। लेकिन आप अगर आप अलग अलग जगह रहते हैं, एक घर में एक जगह रह रहा है, एक घर का दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह रह रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरी जगह रह रहा है, तो अलग अलग जाने पर उसके कंजम्पशन साइज जो है बढ़ जाते हैं और इस तरीके से ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो बचाए जा सकते हैं। यही यहाँ पर भी एक बेसिक रीजन हो सकता है बैंक को मर्ज करने का, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इससे जो कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ द क्रिएशन ऑफ ग्लोबली रोबस्ट बैंक द अननेसेसरी ओवरलैप ऑपरेशंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जबरदस्ती जो है हो सकता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम हो जाए, तमाम सारे जो जो अनविलिंग जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी, इससे जो है जो कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है और उसका यूज़ जो है बैंकिंग सेक्टर में अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि बैंकों को मूव किया जाए, इस तरफ ले जाया जाए जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन बैंक बने, यानी एडवांस लेवल बैंक बने, जिससे कि स्ट्रेंथन हो सके बैंकिंग की, लोगों के पास अप्रोच जो है उनकी ज़्यादा पहुँच सके। हालांकि बैंक के मर्ज होने की ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कई बार बैंक के मर्जिंग जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। जैसे कि अगर कोई एक बैंक है वो किसी दूसरे बैंक के साथ जब मर्ज होता है तो यहाँ पर एक समस्या ये भी आती है कि इसके कल्चर अलग होंगे, इसके जो बिजनेस कल्चर है वो अलग होंगे, दोनों के बिजनेस कल्चर कई बार मैच नहीं कर पाते हैं और जो मर्जिंग जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉपरेट नहीं कर पाते हैं कई जगहों पर, कई बार जो है एक बैंक के एम्प्लॉय दूसरे बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इससे बैंकिंग जो है वो फेल हो जाती है, मर्जिंग जो है वो फेल हो जाती है, तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों ये था आपका आज का मेगा बैंक मर्जर के बारे में जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने आपको बताई, और ये चारों बैंक जो है वो आज ही मर्ज होकर के बन गए हैं 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपके लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कमेंट अगर आपके मन में आ रहा है या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस कमेंट को जरूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।